हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, मैं हूँ डॉक्टर वंशिका सक्सेना, और आजकल हमें कोविड के बाद बर्ड फ्लू के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, और इसकी हमें हम सबको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन भी हैं। तो क्यों ना आज हम इस वीडियो में बर्ड फ्लू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लें, जैसे कि बर्ड फ्लू क्या होता है, बर्ड फ्लू क्यों होता है, क्या नॉनवेज खाने से हमें भी बर्ड फ्लू हो सकता है, या फिर हम बर्ड फ्लू से कैसे बचें। सो इन कुछ पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो बर्ड फ्लू है वो होता क्या है। सबसे पहले तो ये जो बर्ड फ्लू है वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो ना केवल बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है, बल्कि ह्यूमंस और अदर एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। एक ऐसा बर्ड जो इस वायरल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, उसके कॉन्टैक्ट में जो भी आएगा वो इन्फेक्टेड हो सकता है, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर कोई अदर एनिमल। हम इस बर्ड फ्लू को बर्ड्स का कोविड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो बर्ड फ्लू है वो कोविड के जैसा सा ही है जो पक्षियों में हो रहा है। और ये जो बर्ड फ्लू है वो एक इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, इसलिए हम इस बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। अभी जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके कई सारे टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं, और ये जो बर्ड फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा वायरस के टाइप ए के H5N1 स्ट्रेन से होता है, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है बर्ड फ्लू की। अभी जो बर्ड फ्लू है ना, वो नॉर्मल फ्लू जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉर्मल फ्लू से कई गुना ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। ये हमारी बॉडी के सिर्फ लंग्स या फिर किडनी को ही इफेक्ट नहीं करता, बल्कि हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है, और इससे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द WHO, H5N1 1997 में हांगकांग में सबसे पहले ह्यूमंस में पाया गया था, और इस वायरस से जो भी लोग इन्फेक्टेड थे उसमें से 60% लोगों की मौत हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो बर्ड फ्लू है उसकी मृत्यु दर 60% है। इन द करंट सिचुएशन ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं हो रहा है, बट इस पर काफ़ी सारी रिसर्चेस अभी भी चालू हैं, जिससे हम कन्फर्म हो सकें कहीं ये जो बर्ड फ्लू है वो महामारी का रूप तो नहीं ले लेगा। अब अगर इसके कॉज की बात की जाए, तो ह्यूमंस में ये जो फ्लू है वो एक इन्फेक्टेड बर्ड को छूने से, उसके कॉन्टैक्ट में आने से, या फिर उसको खाने से होता है। और बर्ड में ये जो फ्लू है, ये वायरस है, उनके नेजल सिक्रेशन मतलब कि जो नाक में बहने वाला पानी होता है उसमें, उनके सुसुपॉटी में, उनके अंडों में पाया जाता है। अगर आप एक इन्फेक्टेड बर्ड को या फिर उसके अंडे को ठीक तरीके से पकाकर नहीं खाते हो, तो आपको ये जो बर्ड फ्लू है आपको हो सकता है, आप इससे इन्फेक्टेड हो सकते हो। वैसे तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं हो रहा है, इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं। मोस्टली ये बर्ड से ह्यूमन में स्प्रेड होता है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप नॉनवेज के और अंडे के दीवाने हैं, तो बाहर जाकर खाना अवॉइड करिए, और उनको घर पे लाकर ही पकाकर ही खाइए, अच्छे से पकाकर खाइए। और सेकंड चीज़, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी नॉनवेज यूज़ कर रहे हो, खा रहे हो, वो फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो बीमारी से मरा है या फिर ठीक था और उसको हलाल करके काटा गया है। इसके बाद आप जब भी बाहर से नॉनवेज या फिर अंडे लाते हैं, तो हाइजीन का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आते ही अपने हैंड वॉश करें। इसके बाद आप जब भी नॉनवेज पकाते हो, अंडे पकाते हो, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पकाकर खाएं, पूरा पकाएं, बिन पका हुआ या फिर अधकचा बिल्कुल भी ना खाएं। हम जब भी बाहर नॉनवेज खाने जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि उन्होंने किस तरीके से बनाया है, कैसे पकाया है, तो ये भी एक वजह है बाहर ना जाकर खाने की। और अंडे को भी बहुत अच्छी तरीके से पकाकर, अच्छे से बॉईल करके खाएं। बहुत से लोग अंडे को कच्चा खाना पसंद करते हैं, तो वो लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बॉईल कर लो यार, कुछ दिन की बात है, फिर जब ये सही हो जाएगा तो आप जैसा खाना चाहो वैसा खा सकते हो। और हाँ, एक रिसर्च में बताया गया है कि बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड किसी चीज़ को अगर 70 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट्स के लिए पकाया जाता है, तो ये जो इन्फेक्टेड चीज़ है वो डिसइन्फेक्ट हो जाती है, उसके सारे वायरस मर जाते हैं। इसलिए अच्छे से पकाकर खाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो। अब अगर आपको किसी वजह से बर्ड फ्लू हो गया है, तो जो उसके स्टार्टिंग वाले सिम्टम्स होंगे वो सेम नॉर्मल फ्लू जैसे ही होते हैं, लाइक खांसी, जुखाम, गले में दर्द, तेज़ बुखार हो सकता है, 38 डिग्री सेल्सियस तक बुखार पहुंच सकता है, सिर में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, मसल एक हो सकता है, इसी के साथ साथ लूज मोशन हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, आँखों में जलन, रेडनेस वगैरह भी हो सकती है। और बीमारी बढ़ जाने पे पेशेंट को बेहोशी हो सकती है, दौरे पड़ सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने पर, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाते हैं, तो पेशेंट की जान भी जा सकती है।
देखिए, बर्ड फ्लू से बचने के लिए सबसे पहले तो मरा हुआ या फिर जिंदा, बीमार या फिर सही, किसी भी तरीके के बर्ड से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जो मरा हुआ बर्ड है वो कैसे मरा है या फिर कौन सा बर्ड बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड है। तो हो सके तो अपने पे थोड़ा सा कंट्रोल बनाकर रखें, और इन केस अगर आप किसी भी बर्ड के कांटेक्ट में आए हैं तो इमिडिएटली अपने हैंड वॉश करें। किसी भी सोप से आप हैंड वॉश कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, अगर आप अपने आसपास बहुत ज़्यादा पक्षियों को मरता देख रहे हैं तो लोकल अथॉरिटी को इमिडिएटली इन्फॉर्म करें। और अगर आपको बर्ड फ्लू हो गया है, आप उससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो आपको ज़्यादा हाइपर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बर्ड फ्लू की जो वैक्सीन्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप उनको लगवा सकते हो। इन मोस्ट केसेस एंटीवायरल मेडिकेशन से इस बीमारी की सीवियरिटी को कम किया जा सकता है। और अगर आपको रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं तो आपको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा जा सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, आपको सांस वगैरह लेने में आप नहीं ले पा रहे हो, ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं है आपकी बॉडी में, तो आपको वेंटिलेटर का सपोर्ट भी दिया जा सकता है। आपको बताए गए सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम अगर आपको अपने अंदर दिखता है तो अपने डॉक्टर से इमिडिएटली कंसल्ट करें, उसको अप्रोच करें, और विद इन 48 आवर्स अपने डॉक्टर से पूछकर मेडिकेशंस वगैरह ज़रूर स्टार्ट कर दें। अब जैसे कोविड का टेस्ट किया जाता है ना, नाक में से और गले में से स्वैब लेकर, वैसे ही ये जो बर्ड फ्लू है उसका भी टेस्ट किया जाता है। वैसे तो ये जो बर्ड फ्लू है वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता है, बट फिर भी अपने फैमिली के बचाव के लिए अपने आप को आइसोलेट करके ज़रूर रखें, और अपने घर के बुजुर्ग और बच्चों से अच्छी खासी दूरी बनाकर रखें। तो अब आपके पास बर्ड फ्लू से रिलेटेड सारी जानकारियां हैं, तो इसको अपने तक समेट कर ना रखें और आगे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि सभी लोगों में बर्ड फ्लू का जो डर है वो थोड़ा कम हो सके और वो लोग अपना बचाव अच्छे से कर सकें। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो ज़रूर शेयर करना ही है। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, और जो पास में बेल आइकन है ना उसको भी ज़रूर हिट करें, जिससे आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको मेरे से अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर करनी हो, कोई बात बतानी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी आपको मुझसे शेयर करना है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हो। इन दोनों की ही जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर यहाँ पर वीडियो के नीचे भी आपको शो हो रही होंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। So stay tuned with me, we will meet again in the next video. Till then, bye bye and take care of you all yourself.